जब हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करेंगे, जब हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करेंगे, तो नेशनलिज्म इन इंडिया हमारे यहाँ चैप्टर कब स्टार्ट होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में। और कब खत्म हुआ था? 1918 में। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें क्योंकि ब्रिटेन भी था और इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इस वजह से इंडिया ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है? इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था बेटा? सबसे पहली बात क्या हुआ था कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था। डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा आ रही बात समझ में? और क्योंकि क्योंकि ब्रिटिशर्स का डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने हमारे यहाँ क्या करे थे? कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी थी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। आ रही बात समझ में? और फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहे थे आर्मी में। ठीक है, इसी टाइम पे इंडिया में 1916 में इन्फ्लुएंजा नाम का एपिडेमिक आया था। क्या आया था? इन्फ्लुएंजा नाम का एपिडेमिक। तो इस चक्कर में, क्योंकि एक तो कस्टम ड्यूटीज हो गई थी, इनकम टैक्स बढ़ गया था, चीजें बहुत महंगी हो गई थी, तो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। और इसी के साथ साथ फोर्स रिक्रूटमेंट टू आर्मी और एपिडेमिक के स्प्रेड की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मर गए थे, तो हमारा ब्रिटिश रूल को लेकर डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आया समझ में? अब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, और 1915 में तूने मारी एंट्री। किसने मारी थी एंट्री? महात्मा गांधी ने इंडिया में एंट्री मारी थी। इंडिया में एंट्री मारते ही वो हमारे यहाँ मास मूवमेंट का क्या लेकर आए थे? कंसेप्ट लेकर आए थे, यानी कि मास स्ट्रगल का कंसेप्ट लेकर आए थे। और आते ही इन्होंने 1916 में कहाँ करा? चंपारण बिहार में एक मास सत्याग्रह लॉन्च किया। ठीक है ना? किसके लिए? प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। 1917 में कहाँ किया? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, और किस पीजेंस को सपोर्ट करने के लिए। और 1918 में अहमदाबाद गुजरात में किसको सपोर्ट करने के लिए? कॉटन मिल वर्कर्स को। ये इंफॉर्मेशन दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा व्हाट वाज द फर्स्ट थ्री मास स्ट्रगल ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी। दूसरा, अगर मैप में आता है कि यार ये जगह थी जहां पर गांधी जी ने क्या किया था, मूवमेंट लॉन्च किया था, तो आप आइडेंटिफाई करो ये जगह कौन सी है। या फिर वाइस वर्सा, गांधी जी ने पीजेंट के लिए कहाँ मूवमेंट लॉन्च किया था? तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार में। कॉटन मिल वर्कर्स के लिए कहाँ किया था? अहमदाबाद गुजरात में। तो उस हिसाब से क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? गांधी जी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? हिंदू स्वराज। आई बात समझ में? और उसमें इन्होंने लिखा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में अपना पावर एस्टेब्लिश कर पाए हैं, क्योंकि हम लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं? कॉपरेट कर रहे हैं। तो अगर इंडियंस उनके साथ कॉपरेट करना बंद कर देंगे, तो ब्रिटिश राज अपने आप में पेरिश हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? ये सारी कहानी उन्होंने कहाँ लिखी थी? अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखी थी। इज दैट क्लियर? तो लोगों ने कहा देखी, 1919 में क्या आया था? रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट को शॉर्ट में बोले तो नो दलील, नो वकील, नो अपील। ठीक है, इसका मतलब क्या होता? पहली बात, रॉलेट एक्ट कौन लाया था? तो याद रखना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन लाया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रॉलेट एक्ट लाई थी। क्यों करने के लिए? क्योंकि महात्मा गांधी बहुत सारे मास स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए, ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या लेकर आई थी? रॉलेट एक्ट लेकर आई थी। इसने क्या किया था? इनॉर्मस पावर दे दिए थे ब्रिटिशर्स को टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन। वर्ड क्या है? डिटेंशन। अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स। यानी कि आप किसी को भी जेल में रख सकते हो विदाउट ट्रायल, मतलब कोर्ट पे कोई सुनवाई नहीं होगी, फॉर 2 इयर्स। इज दैट क्लियर? रॉलेट एक्ट आया, इसको अपोज करने के लिए कहानी कहाँ बड़ी थी? लोग अपोज कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने क्या किया रॉलेट एक्ट को? जलियांवाला बाग से मतलब होता है कत्लेआम। ठीक है ना? रॉलेट एक्ट को नेशन वाइज हम लोग क्या कर रहे थे? नेशन वाइड अपोज कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, हड़ताल हो रही थी। ठीक है ना? एक हड़ताल 6 अप्रैल को भी ऑर्गेनाइज हुई थी। आ रही बात समझ में? ठीक है,
लोकल लीडर्स को अमृतसर से क्या कर लिया था, पिक कर लिया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर आने से मना कर दिया था, ठीक है ना। 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 को बैसाखी का फेयर चल रहा था कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, और वहां लोग पब्लिक मीटिंग भी कर रहे थे। उस टाइम पर जनरल डायर ने क्या लिया था, चार्ज लिया था, और उन्होंने क्या करा, पीसफुल सत्याग्रही पे, पीसफुल सत्याग्रही पे, या वो लोग जो बैसाखी फेयर एंजॉय करने आए थे उन पे क्या कर दिया, ओपन फायर कर दिया, और एग्जिट का गेट भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आ रही है बात समझ में। जनरल डायर क्या चाहता था, एक टेरर वाली फीलिंग क्रिएट करना चाहता था अमंग द इंडियंस। आ रही है बात समझ में, बोलो कोई परेशानी। तो इससे बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, मर गए थे, और बहुत सारे वुंडेड हुए थे, बोलो कोई परेशानी। ठीक है, अब क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकरे में, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकरे में हंड्रेड्स ऑफ पीपल क्या हो गए थे, मर गए थे, और थाउजेंड्स क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। जो हिंदूस थे वो ब्रिटिश रूल से क्या थे, बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे। सिमिलरली जो मुस्लिम्स थे वो भी क्या थे, ब्रिटिशर्स से डिससैटिस्फाइड थे। क्यों? क्योंकि ओटोमान एम्पायर जो था वो टर्की को क्या करता था, रूल करता था। आई बात समझ में, रूलर ऑफ टर्की को हम लोग क्या बोलते थे, खलीफा बोलते था। ये जो खलीफा होते थे ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स के क्या होते थे, स्पिरिचुअल लीडर होते थे। जब ब्रिटेन ने टर्की को वॉर में हरा दिया तो उन्होंने एग्जिस्टिंग खलीफा को हटा दिया और उसकी जगह किसको बिठा दिया, एक न्यू खलीफा को बिठा दिया, जिस वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मुस्लिम थे सबके अंदर बहुत हाई लेवल का क्या आ गया, डिससैटिस्फैक्शन आ गया। इंडिया में दो ब्रदर्स थे जिनको हम लोग क्या कहते हैं, अली ब्रदर्स, दैट इज मोहम्मद अली और शौकत अली। अली ब्रदर्स ने क्या करा, अगेंस्ट द ब्रिटिश क्या करी, एक खिलाफत कमेटी बनाई और उनके अगेंस्ट मूवमेंट लॉन्च करने का सोचा। महात्मा गांधी को क्या लगी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, किस चीज को, हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने बोला कि हम लोग खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत इशू और जलियांवाला बाग मैसेकरे को कंबाइन करके एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जिसका क्या नाम दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड महात्मा गांधी लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उसमें ये तो लिखना ही है कि वो हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करना चाहते थे अंडर वन कॉमन अम्ब्रेला। दूसरा रीजन कौन सा लिखना है, वही कि उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में बोला था कि ब्रिटिश रूल हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इसलिए इस्टेब्लिश हुआ है, अगर हम लोग रिफ्यूज कर दे कोऑपरेट करने से तो क्या होगा, वो रूल क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, और इसलिए। तो पहला रीजन कोलैप्स वाला लिखना, दूसरा रीजन लिखना कि मुस्लिम भी डिससैटिस्फाइड थे, फिर लिखना हिंदूज भी डिससैटिस्फाइड थे क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था, और इसलिए इन दोनों को यूनाइट करने के लिए अंडर वन कॉमन अम्ब्रेला महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इज दैट क्लियर मेरी बात। नॉन कोऑपरेशन में क्या हुआ था, सुनो, सबसे पहले मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या करा, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए, टीचर्स और हेडमास्टर ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस गिव अप कर दी, फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया, फॉरेन क्लॉथ्स को क्या करा, बॉनफायर में बर्न किया, लिकर शॉप को पिकेट किया, पिकेट मतलब होता है दुकान के आगे बहुत सारी भीड़ जमा कर बैठ जाना सो दैट कोई उसके अंदर ना जा पाए, और काउंसिल इलेक्शंस बायकॉट हुए थे हर जगह एक्सेप्ट मद्रास। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन सिटीज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्लो डाउन हो गया, तो क्योंकि सिटीज में ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थी जो बाद में बच्चे ज्वाइन कर पाए स्कूल और कॉलेजेस के लिए, खादी बहुत एक्सपेंसिव था पर फॉरेन क्लॉथ बहुत टाइम तक बायकॉट नहीं कर सकते थे, खादी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। इसलिए टीचर्स और लॉयर्स ने क्या कर दिया, वापस से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, वो टीचर्स और स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, लॉयर्स ने वापस से कोर्ट जाना स्टार्ट कर दिया, क्लियर। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर ही जब हम लोगों ने अभी कहानी देखी थी, वो कहानी देखी सिटीज की, अब कहाँ की देख रहे हैं, रूरल एरियाज की। तो रूरल एरियाज में जो पीजेंट्स थे कहाँ के, अवध के, रूरल एरियाज में जो पीजेंट्स थे कहाँ के, अवध के, उन्होंने किसके अगेंस्ट मूवमेंट लॉन्च किया, तालुकदार और लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा क्या करते थे, रेवेन्यू लेते थे। इनका जो हेड था वो कौन थे, बाबा रामचंद्र थे, आ रही बात समझ में, और उनको लगता था हम लोग ये मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि क्या ये रेवेन्यूज कम हो जाए, बेकार यानी कि फोर्स लेबर जो करना पड़ता है वो भी खत्म हो जाए, और लैंडलॉर्ड्स को हम लोग को क्या करना है, बैकआउट करना है। रूरल एरियाज में ना ही धोबी बैन हुए थे, ना ही मतलब बार्बर, धोबी मतलब वॉशरमैन, तो इन्होंने बोला हम लोग अंग्रेजों को हमारी सर्विसेज नहीं देंगे। ओके,
ठीक है, ट्राइबल्स वाला जो है ये कहानी कहाँ से निकल कर आती है, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू हमारे प्रीवियस फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे, ठीक है। कहाँ पे थे? गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। वो बोलते थे उनके पास स्पेशल पावर्स है, वो क्या कर सकते हैं, करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस दे सकते हैं, वो लोगों को हील कर सकते हैं और वो बुलेट शॉट सर्वाइव कर सकते हैं। आई बात समझ में? वो गांधी जी के फॉलोवर थे, लेकिन उन्हें लगता था कि हम लोग को अगर आजादी चाहिए तो वो पीस और नॉन वायलेंस से नहीं मिलेगी, अगर हमको इंडिपेंडेंस या स्वराज चाहिए तो उसके लिए हमको वायलेंस यूज करना पड़ेगा। बाद में ये पकड़े गए थे और इनको एग्जीक्यूट कर दिया था 1924 में। लेकिन जब तक ये काम कर रहे थे, इन्होंने गुदेम हिल्स में क्या करी थी, गोरिल्ला वॉरफेयर से गुदेम रेबेलियन लॉन्च करी थी। जो ट्राइबल्स थे वो क्या करते थे, इन द फॉर्म ऑफ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट क्या करते थे, ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को क्या करते थे, मारते थे, ठीक है ना, उनपे अटैक करते थे। क्लियर? ठीक है। स्वराज इन द प्लांटेशन, प्लांटेशन वर्कर्स को क्या परेशानी थी, तो हमने कहा था अंडर इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1915 प्लांटेशन वर्कर्स को अलाउ नहीं था कि वो प्लांटेशन छोड़ दे विदाउट परमिशन, और ऐसी परमिशन उनको मिलती नहीं थी। जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उनको लगा गांधी जी आ रहे हैं उनको बचा लेंगे, इसलिए उन्होंने सारी अथॉरिटीज को डिफाई करके क्या किया, प्लांटेशन से भाग गए। लेकिन क्योंकि रास्ते में रेलवे और स्टीमर्स की स्ट्राइक थी तो वहां वो अटक गए। अटकने के लिए वर्ड होता है स्ट्रैंडेड, सो देवा स्ट्रैंडेड एंड दे कुड नॉट रीच देयर होम। रास्ते में उनको पुलिस ने पकड़ा और उनको खूब सारा मारा। बोलो कोई परेशानी? व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो क्योंकि मूवमेंट कुछ जगहों पर क्या हो रहा था, वायलेंट हो रहा था, और उनको लगा था अगर मूवमेंट होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, पीसफुल ही होना चाहिए। गांधी जी को लग रहा था अभी सत्याग्रही इस ढंग से ट्रेन नहीं हुए, इनको मास स्ट्रगल के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और लास्टली चौरी चौरा बिहार में 22 पुलिसमैन को क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था पुलिस स्टेशन में। जिस बात से क्या हुआ, ये इमीडिएट कॉज था ऑफ कॉलिंग ऑफ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आई बात समझ में? कुछ लीडर्स थे जैसे कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, उनको लग रहा था अब हमको काउंसिल इलेक्शंस में क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने क्या बनाई, स्वराज पार्टी बनाई। तो अगर एग्जाम में आता है स्वराज पार्टी किसने बनाई, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अब क्योंकि इंडिया में इतने सारे मास स्ट्रगल्स हो चुके थे तो ब्रिटिशर्स को पता चल गया हम उनके रूल से क्या है, बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड है, इसीलिए उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन, उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन जो साइमन क्या करा, अपॉइंट किया टू रिस्पॉन्ड टू दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट, और बोला कि हम लोग को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे इंडियंस का डिससैटिस्फेक्शन क्या हो जाए, दूर हो जाए। प्रॉब्लम इस सब कमीशन के साथ कैसा था कि आप इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहे हो, लेकिन इस कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, इसलिए इंडियंस ने क्या करा, इनको अपोज किया। और कौन से स्लोगन का है, साइमन गो बैक साइमन, ठीक है। लाहौर सेशन आईएनसी 1929 में क्या डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने बोला पहली बात तो अब हम लोग को ये स्वराज वराज नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंसी। और इसके यहाँ पर ये किसने प्रिसाइड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, और बोला कि हम हमारा इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करेंगे, 26 जनवरी 1930। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस क्यों लॉन्च किया था, तो 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को, एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी थी, जिसमें से एक डिमांड क्या थी कि आप सॉल्ट पे जो टैक्स लगा रहे हो उसको क्या कर दो, बंद कर दो, टू अबॉलिश सॉल्ट टैक्स। आई बात समझ में? और उन्होंने क्या करा, बोला कि ये एक अल्टीमेटम है, ये क्या है, एक अल्टीमेटम है, अगर ये 11 डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई बाय 11th of March, अगर ये 11 डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई बाय 11th of March तो कांग्रेस एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेगी, ठीक है। लेकिन लॉर्ड इरविन नेगोशिएट करने को तैयार नहीं थे, इसलिए गांधी जी ने क्या करा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया, डांडी मार्च से, ठीक है, अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ वो
24 days कहाँ चले? साबरमती से डांडी तक, ठीक है ना। और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे और उन्होंने क्या करा, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, गवर्नमेंट सी वाटर को बॉइल करके सॉल्ट बना लिया। क्लियर है? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बोला कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो क्या हुआ था, उसका जो पर्पस था वो था क्या, जलियांवाला बाग मैसेकर को अपोज करना, खिलाफत इशू को उठाना। लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस था उसका इशू, उसका पर्पस क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहला मास मूवमेंट था जिसमें रूरल एरियाज के लोगों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, लेकिन विमेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इन कंपैरिजन टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, विमेन का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस में क्या था, ज्यादा था। आ रही बात समझ में? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कोऑपरेट नहीं करना था, पर रूल्स नहीं तोड़ने थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो क्या था, आपको इंटेंशनली रूल्स तोड़ने थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, मतलब रिच पुअर सारी कम्युनिटीज के लोगों ने। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन क्या हो गया था, कम हो गया था। और जो पुअर पीजेंट्स थे जिनकी इच्छा थी क्या कि नो टैक्स कैंपेन टाइप की कोई चीज लॉन्च करे, तो कांग्रेस इस चीज को लेकर क्या थी, बहुत ज्यादा श्योर नहीं थी। और क्योंकि कांग्रेस उनकी नो टैक्स कैंपेन को सपोर्ट नहीं करी थी, इसलिए पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्लियर है? आगे जाए, है ना। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था, सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था, गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने लोगों ने जा जाके क्या करा था, सॉल्ट बनाया था, ठीक है। फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट किया था, लिकर शॉप्स को पिकेट किया था, पीजेंट्स ने टैक्सेस पे करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, विलेज ऑफिशियल्स ने बहुत जगह रिजाइन कर दिया था, और लोगों ने फॉरेस्ट लॉ भी क्या करे थे, वायलेट करे थे, मतलब सारे रूल्स क्या करे थे, ब्रेक करे थे, ठीक है। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ क्यों कर दिया, क्योंकि पेशावर में पुलिस फायरिंग में बहुत सारे लोग मर गए थे, ऑलमोस्ट लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल कहाँ थे, जेल में थे। आ रही बात समझ में? तो इस रीजन से महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल बैक कर दिया था। और सिविल डिसोबीडियंस कॉल बैक होने के पहले गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट गांधी जी ने बोला कि वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में है, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो वायलेंस में, जिन्होंने वायलेंट बिहेवियर नहीं दिखाया था ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर देगी, जेल से छोड़ देगी। आया समझ में? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो गई थी, एक फेलियर थी। गांधी जी ने फिर इंडिया आए और क्या करा, रीलॉन्च किया, लेकिन इस बार लोगों का एंथुसियाज्म क्या हो गया था, कम हो गया था। ओके, पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप बहुत एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन वुमेन का पार्ट इसमें एग्जाम में आता है। इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, इसमें ये छोटे छोटे फुल फॉर्म्स हैं और ये छोटे छोटे नाम हैं जो वन मार्कर्स के हिसाब से क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या करा था, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस एस्टैब्लिश की थी 1920 में, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश किया था 1927 में। इनके लीडर्स कौन थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी डी बिरला, ठीक है। वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत हाई था, प्रोटेस्ट मार्चेस में, सॉल्ट बनाने में, पिकेटिंग लिकर शॉप्स में, फॉरेन क्लॉथ्स को बर्न करने में, जेल जाने के लिए, अर्बन एरियाज में, हाई कास्ट फैमिलीज ने भी क्या किया था कि वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, रूरल एरियाज में रिच पीजेंट की फीमेल ने भी क्या करा था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और गांधी जी ने बोला कि वुमेन का क्या है, सच्चा धर्म है कि वो घर का ध्यान रखे, अच्छी मम्मी बने और अच्छी वाइफ बने। आ रही बात समझ में? अब गांधी जी ने क्योंकि क्या कर दिया, वुमेन को डिस्करेज कर दिया, तो वुमेन जो थे वो कभी भी बहुत अच्छा फिगर नहीं आ पाए कहां पर,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है ना। डॉक्टर अम्बेडकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों फेल हुआ, गांधी जी और अम्बेडकर अंकल की क्यों लड़ाई हो गई, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर ने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स माने थे, गांधी जी ने देने से मना कर दिया था। जब ब्रिटिशर्स ने अम्बेडकर की बात मान ली तो गांधी जी ने बोला खाना नहीं खाऊंगा, फास्ट अन टू डेथ। अम्बेडकर ने बोला चल खा ले, मतलब खा लो, ठीक है ना, मेरे को सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स मत दो, लेकिन दलित्स को क्या चाहिए रहेगी, रिजर्वेशंस चाहिए रहेगी। इस पैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पूना पैक्ट ऑफ 1932, ठीक है। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, दलित्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस दलित्स पे ध्यान नहीं दे रहे थे। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को लग रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया तो हम लोग ज्वाइन क्यों करें। पुअर पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आई बात समझ में? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता बनाई थी, काम डिवाइन और स्पिरिचुअल, ठीक है ना। स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल और तो ट्राइ कलर बनाया गया था, गांधी जी ने बनाया था स्वराज फ्लैग 1921 में, ठीक है। वंदे मातरम लिखा गया था किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, है ना, इनकी किताब आनंद मठ में। जनगण मन हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस सेशन याद रखना, कैलकटा नागपुर मद्रास और लाहौर, सितंबर दिसंबर दिसंबर दिसंबर, ठीक। विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर।